माय नेम इज शाहरुख। आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम आपको एक्सेल में 3D पिरामिड चार्ट बनाकर दिखाएंगे। आज हम आपको एक डायनेमिक 3D पिरामिड चार्ट आपको बनाएंगे, और आप इस चार्ट का यूज अपने रिपोर्ट, डैशबोर्ड और प्रेजेंटेशन के अंदर कर सकते हैं। अगर आप लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक, तो आप हमारी एक्सेल की पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक्सेल के हर एक छोटे छोटे पॉइंटों को आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो बेस करता है 3D पिरामिड चार्ट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको इस डमी डाटा को कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल एन करके एक नई शीट बनानी है, और कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, और पेस्ट एज अ कॉलम विड्थ कर देना, ताकि यहाँ पर इसकी कॉलम विड्थ आ जाए। इसके बाद आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट के बाद यहाँ पर आएं, और अब आपको यहाँ से एक ले लेना है, कोई सा भी आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से लेता हूँ 3D स्टिक कॉलम चार्ट। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पर बन के आ गया। साथ साथ देखिए ये मेरा जोन है, ये मेरा सेल कन्वर्जन है, और ये मेरा ट्रांसपेरेंट पार्ट है। क्योंकि अगर सेल 60% हुई है तो 40% मेरा क्या होगा, खाली हिस्सा होगा। तो मैंने सिंपल एक फार्मूला लगाया, मैंने कहा 1 माइनस जितनी परसेंट हो, तो अब जितनी भी परसेंट होगी वो 1 माइनस करके दिखाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले इस चार्ट की जो विड्थ है उसे फिक्स करना है। तो फॉर्मेट एक्सिस पर जाओ, मिनिमम आपकी 0 रहेगी, मैंने यहाँ पर डाल दिया मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 रख कर दिया, और इस तरीके से इसको सिलेक्ट करा, इस हिस्से को सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया, ग्रिड लाइन पर गया, यहां से मैंने ग्रिड लाइन हटा दिया, लेजेंड हटा दिया, ठीक है, इस जोन को मैंने रखा। आप चाहो तो इस चार्ट में से उसे भी नहीं, इसे रखा हुआ है तो आप इसे रखें, चार्ट टाइटल को हटा दें, चार्ट टाइटल हट गया। इसके बाद अगर चाहिए तो आप चार्ट टाइटल लग सकते हैं। अब आप इसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप सीरीज ऑप्शन में जाएं, और यहां से आप एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है फुल्ली पिरामिड। बस आपको फुल्ली पिरामिड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, मैंने इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पर, जस्ट लाइक इस तरीके का। गैप विड्थ को भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये मेरी गैप विड्थ है वो कम हो गई। साथ साथ मैंने इस तरीके से चार्ट को रेडी कर दिया। चाहे तो आप विड्थ को बिल्कुल कम कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से रखा। इसके बाद मैंने इस पर डबल क्लिक करा, पहले वाले हिस्से पर फिल पर गया, और फिल पर जाने के बाद ग्रेडियंस फिल ली और दो स्टॉप बना दिए इसके। पहला स्टॉप मैं डाल दूंगा रेड कलर, और दूसरा स्टॉप डाल दूंगा मेरा लाइट वन कलर, ठीक है। चाहूं तो मैं ये कलर भी ले सकता हूं, फिलहाल मैं ये कलर ले लेता हूं, मैंने ये कलर ले लिया। इसके बाद मैंने इसका टाइप जो था वो मैंने इस तरीके से रखा है, ठीक है। आप चाहो तो कोई और कलर, अगर आप डार्क रखना चाहो तो आप डार्क भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इस पर डबल क्लिक करो, फिल पर जाओ, ग्रेडियंस फिल पर आओ, और ग्रेडियंस फिल पर जाने के बाद अब आपको जो भी कलर लेना है वो ले लो। मैंने दूसरा कलर ये लिया, या आप चाहो तो कलर और भी ले सकते हो, मैंने कहा मुझे ये कलर चाहिए, इस पर क्लिक करा। इसके बाद मैं मोर ऑप्शन पे गया और मैंने दूसरा कलर इसको लाइट कर दिया, जस्ट लाइक कुछ इस तरीके का। तीसरे कलर पे मैं गया, ग्रेडियंट फिल पर आया, मैंने पहला कलर ये लिया, और दूसरे कलर पर जाने के बाद मैंने ऑप्शन पे गया और मैंने इसको लाइट वन कर दिया, या मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट करा और लाइट वन कर दिया, जस्ट लाइक इस तरीके का। इसके बाद मैं इस फोर्थ वाले हिस्से पर गया, या फोर्थ पॉइंट पर आ जो साउथ की बात करता है, इस पे ही ग्रेडियंट फिल्स पे गया, और यहां से पहला कलर मैंने रखा दिस वन ग्रीन, और लास्ट वन मैंने ये ग्रीन कर दिया, तो जस्ट लाइक मेरा इस तरीके का हो गया। मैंने इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट करा, फिल पर गया, और सॉलिड में मैंने इसकी येल्लो ले लिया। येल्लो लेने के बाद मैंने अप्रोक्सीमेट 70% इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, ताकि ये मुझे कुछ खाली दिखे इस तरीके से। इसके बाद अब मुझे करना क्या है, चार्ट को सिलेक्ट करना है, और चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद कोई भी एक ब्लैक कलर का फॉन्ट अप्लाई करना है। तो मैं आउटलाइन पे गया और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, तो जस्ट लाइक चार्ट मेरा उसी तरीके से दिख रहा है
जैसा मैंने वहां पर छोड़ा था। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले ये जो एक्सिस है इसे सिलेक्ट करना है। मैंने इसे सिलेक्ट करा, होम पर गया और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का फॉन्ट ले लिया, एजेंसी हमने एजेंसी एफ भी ले ली और इस तरीके का हमारा फॉन्ट बन गया। क्लियर है? तो आप इस तरीके से इस चार्ट को रेडी कर सकते हैं। इसके बाद आप राइट क्लिक करें, ऐड डाटा लेबल पर जाएं, यहाँ डाटा आ जाएगा। डाटा आ जाने के बाद आप इसे बोल्ड करें, साइज को थोड़ा सा बड़ा करें और यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट ले लें, हमने एजेंसी नाम का ले लिया और साइज को थोड़ा सा हमने इस तरीके से कर दिया। क्लियर है? हमने इसे सिलेक्ट करा या इसे खाली सिलेक्ट करा और इसे नीचे तक ड्रैग कर दिया ताकि ये चार्ट बिल्कुल सेंटर में रहे। इसे सिलेक्ट करा और हमने इसे नीचे ड्रैग कर दिया और हमने इसे सिलेक्ट करा और हमने इसे नीचे ड्रैग कर दिया। तो ये जस्ट लाइक हमारा ये चार्ट रेडी हो गया। आप इसके कलर चेंज देना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम कलर एक जैसा रखेंगे सभी के लिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो हम इसका बैक कलर कर देते हैं, बैक कलर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर जो कलर का है कुछ और तो वो भी कर सकते हैं हम। क्लियर? ये हमारा परफेक्ट है, ये हो गया। इसके बाद अब हमें करना क्या है, अब हमारा ऑलमोस्ट चार्ट तो रेडी हो गया। अब देखो जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी चार्ट अपने आप वैल्यू को चेंज करता रहेगा। ठीक है? अब इसकी बात को आपको नहीं करना। ठीक है? ठीक है, आप इसे सेंटर करने की भी कोशिश करेंगे तो ये अपनी वैल्यू के हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहेगा। ठीक है? आप चाहते हो कि ये वैल्यू के हिसाब से अपने आप को चेंज ना करे तो उस केस में आप इनको सबको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर वर्ड आर्ट ले लो एक, मैंने यहाँ से वर्ड आर्ट ड्रॉ कर ली। वर्ड आर्ट पर क्लिक करा, मैंने यहाँ से इक्वल बटन दबाया, इसकी बॉर्डर को सिलेक्ट करा और मैंने लिंक कर दिया इसके साथ। लिंक हो गया, लिंक के साथ मैंने इसे सिलेक्ट करा, यहाँ पर बोल्ड पे गया, यहाँ से मैंने एजेंसी एफ बी नाम का फॉन्ट लिया, बोल्ड करा और इसके साइज को मैंने जस्ट लाइक इतना बड़ा कर दिया। ये बड़ा हो गया। ठीक है, और बड़ा करना है तो और बड़ा कर लो, यहाँ से इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इस हिस्से को सिलेक्ट करो, यहाँ पर सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, फिर कंट्रोल वी करो, यहाँ पेस्ट करो और फिर कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट कर दो जस्ट लाइक। इसके बाद आप इसे B3 कर दें, मैंने यहाँ से B3 कर दिया, मैंने इसको B4 कर दिया, मैंने इसको B5 कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा जस्ट लाइक इस तरीके से बन गया। फिर मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट करा, डबल क्लिक करा और यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब आप अपनी वैल्यू को चेंज करें। अब चार्ट चाहे कितना भी चेंज हो आपकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये आपका 3D पिरामिड चार्ट बन गया और आप इसकी जो भी हेडिंग आपको पसंद है आप इसकी हेडिंग पर जाएं और आप इसकी हेडिंग को लिख दें। तो मैंने चार्ट टाइटल को कॉपी करा, कंट्रोल सी करा और वहां जाकर मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ आया, चार्ट टाइटल को इंसर्ट करा, चार्ट टाइटल और यहाँ जाकर मैंने कंट्रोल वी करके उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जस्ट लाइक इस तरीके का दिख रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके फॉर्मेट में आए, कलर में जाएं और आपका इसको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर में रख सकते हैं और फिर इसके साइज को बढ़ा दें। ठीक है, चार्ट इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, बस इसे उठाएं और यहाँ पर सेट कर दें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सभी को कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करो, मैंने इसे सिलेक्ट करा, कंट्रोल ए करा। ठीक है, और इसे लिंक कर दिया किसके साथ, कट करा और फिर इसे चार्ट के साथ कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, चार्ट के हिस्से के साथ मैंने कंट्रोल वी कर दिया, जिससे क्या होगा अब ये चार्ट के साथ लिंक हो जाएगा। अब चार्ट जहां भी मूव होगा ये पिक्चर भी साथ में मूव होगी। क्लियर है? तो आप इस तरीके से एक्सेल के अंदर 3D पिरामिड चार्ट बना सकते हैं और इसका यूज आपने डैशबोर्ड और प्रेजेंटेशन के अंदर भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।